क्रिसमस का पर्व पूरे भारत में और दुनिया भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। मोगा में भी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रार्थना सभा में शहरवासी इकट्ठा हुए और प्रार्थना की गई। वहीं चर्च के पादरी ने लोगों से आपसी भाईचारे को बरकरार रखने की अपील की, साथ ही प्रभु यीशु के बताए गए मार्ग पर चलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा दिन है जिसे पूरी दुनिया के लोग मिलजुल कर एकता के साथ मनाते हैं। वहीं इस मौके पर भजन संध्या की गई और छोटे बच्चों ने कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। ये कहना चाहते हैं कि हम सब मिलकर अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया कि हम सब हमेशा की जिंदगी पाएं। तो सारे जानते हो गए क्रिसमस या जो त्यौहार है वो सिर्फ इसलिए मनाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अवतार लिया इतने धरती के ऊपर, तो उन्होंने सिर्फ एक ही मैसेज सब दिता कि शांति और भाईचारे का। अज जरा प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे ये जो प्रेयर मीटिंग रखी गई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती के उत्ते पापियों गुनागारों बचाने के वास्ते आया, क्योंकि इंसान इन्ना कु पाप दे चले गया जदों खुदा ने देखा। असी इस काम दे विच बड़े ही पॉजिटिव हैं जी। जिहड़ा असी प्रोजेक्ट शुरू किया आने वाले कुछ महीनों के साडी कोशिश रहेगी कि इस प्रोजेक्ट नूं कंप्लीट किया जाए, ताकि जिहड़ी इत्थे पहला एक पुरानी बिल्डिंग सीगी 1936 दी बनी हुई।